नमस्कार, आप देख रहे स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति पांडे के साथ। स्वतंत्र प्रभात मीडिया टीम बलरामपुर ने जांच करके सरकारी विद्यालय का हाल जानना चाहा तो पता चला कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और बच्चों को पढ़ाने में समय ना देकर टीचर गप्पे लड़ाने में समय देते हैं। कक्षा 5 तक के बच्चे ये तक नहीं जानते कि उनके विद्यालय का नाम क्या है और उनको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। ये है प्राथमिक विद्यालय चंदनपुर विकास खंड पंचपेड़वा का हाल। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं कि उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए, फिर भी अध्यापकों की लापरवाही के चलते कुछ बच्चे कुछ भी पढ़ लिख नहीं पाते। जबकि इस विद्यालय में 2 अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र तैनात हैं जो कि कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के अध्यापक सिर्फ आराम फरमाने में ही अपनी भलाई समझते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यहाँ इस विद्यालय का हाल लेने कभी नहीं पहुँचते। किस क्लास में पढ़ती हो? विद्यालय का नाम बताओ। विद्यालय का नाम नहीं पता? अपने प्रधानाचार्य का नाम बताओ, यह भी नहीं पता। आज खाने में क्या क्या बना था? खाना क्या क्या खाई, ये भी नहीं पता है कि क्या क्या तुमको दिया गया? नहीं नहीं खाई है क्या खाना? खाना आपको नहीं मिला? नहीं। अपने प्रधानाचार्य का नाम बताओ। नहीं पता। रमेश, राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान के बारे में बताओ। राष्ट्रीय गान क्या है? नहीं मालूम। 26 जनवरी 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। कभी नहीं बताते क्या है गुरुजी? नहीं बताते। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम बता सकते हो? क्या नाम है?